शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे भड़कता क्यों है? अरे भड़कने वाली बात है भाई, इसलिए भड़क रहा हूँ मैं। अरे अगले टाइम टाइम पे आ जाऊंगा ना। देखा, मैंने कहा था ना कि गुस्सा मत करो। चप्पल पड़ी क्या? नहीं, अरे बुढ़ो मजाक का टाइम नहीं है। क्या हुआ? अरे वो तक लड़की पड़ी है। अरे कोई बचाओ, बचाओ! अरे कोई है? अरे पकड़ जा, अरे पकड़ के बेटा, अरे कोई बचाओ उसे। अरे आ जाओ, अरे रुको रुको रुको। चलो आ जाओ, आ जाओ, इसे पानी पिला। नहीं, रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। बैठो बैठो बेटा। क्या हुआ सर? उस बच्ची पे जो खून लगा है शायद इन लाशों से ही है। भैया, दो दो लाशें और एक मासूम सी बच्ची, चक्कर कुछ और ही है। भैया, चक्कर कुछ और ही है। बेटा देखो देखो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अच्छा अब रोना बंद करो। देखो देखो दीदी को, देखो देखो। अच्छा वो सब छोड़ो, आपका क्या नाम है? नहीं नहीं ऐसे नहीं रोते बेटा, ऐसे नहीं रोते। रजन, बाहर जाकर देखो, अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ मिलता है क्या? यस सर। हाँ, खूनी ने दोनों हथियार यहीं पे छोड़ा है सर। एक तो ये तार जिससे मनीषा का गला घोटा गया, और ये चाकू जिससे राज का खून किया गया सर। तुम्हें नहीं लगता ये खून किसी जान पहचान वाले ने ही किया है? देखो ना, कोई सामान बिखरा पड़ा है, ना कोई चीजें टूटी हैं, बस सिर्फ एक पर्दा बाहर जो गिरा है। अच्छा मुझसे बातें करो। शायद खूनी ने हथियार यहीं से उठाया। ये देखिए, सेब पर चाकू से काटने का निशान। हो सकता है खूनी ने फलों को काटने वाले चाकू से राजकुमार दिया।
क्या खूनी यहाँ खून करने के इरादे से नहीं आया था? क्या यहाँ पर इन लोगों के बीच में कुछ बहस हो गई और फिर उन्हीं ने राज को फल काटने के चाकू से मार डाला? सर, सर किचन में जले हुए कागज के टुकड़े मिले। ऐसा क्या रस इस कागज में जिसे जलाकर राख कर दिया? सर, वो खूनी इन कागजात के लिए तो नहीं आता यहाँ पे? हो सकता है, इसका राज तो सालों की ही बताएगा। विनित, दोनों लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने की तैयारी करो। नहीं, ऐसे नहीं रोते, ऐसे नहीं रोते बेटा। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बताए? नहीं सर, अभी भी सर। मैं बहादुर बच्ची है, चुप मत रो। देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन राज और मनीषा दोनों के खून हो गए हैं। आप लोग जानते हैं क्या कोई आया था राज के घर में? साहब, मैं तो पिछले दो दिनों से छुट्टी पे था, आज ही काम पे आया हूँ। राज मनीषा की किसी के साथ यहाँ पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा, क्या आप लोगों को किसी पर शक है? नहीं सर, वो तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे अच्छे से बात किया करते थे, सबकी मदद किया करते थे, उनका कोई दुश्मन भी नहीं था सर। अगर उनका कोई दुश्मन नहीं होता तो शायद दोनों इस वक्त जिंदा होते हैं। सर, बाहर का तो पता नहीं, पर उनकी सोसाइटी में तो किसी से कोई लड़ाई नहीं थी और उनका आपस में भी कोई झगड़ा नहीं था। ये दोनों करते क्या थे, क्या काम करते थे? सर, राज तो आर्किटेक्ट था और मनीषा शायद किसी कॉल सेंटर में काम करती थी। ठीक है, और जरूरत पड़े तो फिर से आप लोगों को मिलेंगे। थैंक यू। जी सर। बेटा, चलो कुछ नहीं होगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम लोग हैं ना। अच्छा बताओ हमको, कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ। सब्र करो आप, नीना को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ कहीं भी है ना वापस आ जाएगी, सब्र करो। कैसे सब्र कर लूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आज तक वो इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रही, कहाँ चली गई नीना? देख तो फिकर मत कर, आ जाएगी। कहीं कोई उसे उठा के तो नहीं लेके गया ना मेरी मीना? कहाँ चली गई मेरी नीना? मैंने बोला माँ, पापा, मेरी मीना, नीना, नीना। हम लोग CID से। आप लोगों को मेरी बच्ची कहाँ मिली? हर्ष बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 402। हर्ष बिल्डिंग, वहाँ कैसे पहुँच गई मेरी बेटी? आपको पता है वो फ्लैट किसका है? नहीं, हर्ष बिल्डिंग में हमारा कोई पहचान का नहीं रहता है। उस फ्लैट में दो दो खून हुए और आपकी बच्ची भी हमें उसी फ्लैट में मिली। क्या? जी हाँ, उस फ्लैट के बालकनी में ये लटक रही थी और कपड़े खून से लथपथ है। आप लोगों को अंदाजा है क्या क्या हुआ होगा? हे भगवान, तू वहाँ कैसे पहुँच गई? बता इन लोगों को कैसे पहुँच गई वापस? बता, तुझे कौन लेके गया था? क्या हुआ बताना, बता ना बेटा, तू कहाँ कैसे गई तू? तुझे कौन ले गया था बता ना बेटा। चुप क्यों, ये जवाब दे। एक मिनट, रहने दीजिए, अभी कुछ मत पूछिए बच्ची से, सदमे में है वो, हम लोग बाद में आ जाएंगे। बाय नीना बेटा। सर, हो सकता है बच्चे के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं और उन्हीं का कोई हाथ तो राज और मनीषा के खून में। और भी कुछ भी हो सकता है, इन पर नजर रखो। सर,
बच्ची मासूम है, ये उसका घर नहीं है, फिर इस हादसे के बीच उसका यहाँ होना। तेजे देखो, या तो ये बच्ची राज और मनीषा को जानती थी, या फिर भूल से यहाँ पर आ गई, या फिर कोई उसे यहाँ पर जानबूझकर लेकर आया। विनित, काम करो, अच्छी तरह से ढूंढो, एक एक कोना ढूंढो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा जो हमारे काम का होगा। यस सर। हाँ, मैं भी बाहर देखता हूँ। सर, पूर्वी का फोन था। बच्ची के माँ बाप का कहना है कि ना तो वो राज को जानते हैं ना ही मनीषा, बल्कि उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनकी बच्ची यहाँ पहुंची कैसे। रजत, ये खूनी जो भी है, मुझे तो लगता है राज और मनीषा को अच्छी तरह से जानता था, या तो उनका दोस्त हो सकता है या फिर कोई रिश्तेदार। ये देखो, तीन तीन चाय के कप से चाय पी कर गए हैं तीनों लोग। सर, हाँ सर, ये पार्सल मिला है। डीएन कुरियर कंपनी से गगन नाम का कोई आदमी 4:15 बजे से यहाँ छोड़कर गया है। देखो जरा खोल कर, अंदर क्या है। क्लॉक जरूर राज ने किसी कंपनी से अपने लिए ऑर्डर किया होगा। इसका एक ही मतलब है कि राज और मनीषा का खून 4:15 बजे के बाद हुआ है। हाँ, तभी तो खूनी इतने प्यार से हमारे लिए हथियार छोड़कर गया, क्योंकि वो जानता था कि इस हथियार के जरिए हम उस तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर साहब, खून कितने बजे हुआ? 4:30-4 बजे के बीच। 4:30-4 बजे के बीच? और कुरियर वाला गगन पार्सल देकर गया 4:15 बजे, मतलब तुरंत बाद। सर, फिर तो उस कुरियर वाले ने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा। हो सकता है खूनी को पहचान ले। खूनी नहीं, खूनियों को। खूनियों को? सर, मतलब एक से ज्यादा खूनी है? हाँ, आइए। बॉस, ये जो 3 चाय के कप आप लोग वहां से लेकर के आए, ये चाय के कप तो यही कहानी कह रहे हैं कि वहां पर एक नहीं शायद 2 खूनी थे। मतलब डीएनए का रिपोर्ट आ गया। हाँ, इस कप में तो मनीषा चाय पी रही थी, लेकिन इन दोनों कप्स में ना तो राज चाय पी रहा था और ना ही वो बच्ची। मतलब 2 लोग थे, शायद एक ने राज को मारा और दूसरे ने मनीषा को। और संख्या? ये जले हुए कागज के टुकड़े, इनमें कौन सी कहानी लिखी है? बस वही कहानी पढ़ने का काम चल रहा है। तो फिर संख्या, जल्दी से कहानी पढ़ ले, जल्दी से पढ़ ले,
कि इन्हीं कागज के टुकड़ों में छुपी है उन खूनियों की पहचान। कशी दिली काय मच्छी सांग ना। पटकन पापलेट आणि सुरमई। कशी दिली पापलेट? 1000 रुपये जोडी। 1000 रुपये काहीतरी कमी कर। अरे उकड मध्ये। अगं थांब, अगं पैसे घे। किसी पर शक नहीं है? दूर दूर तक नहीं है। मुझे मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है उसको कोई क्यों मारेगा। अच्छा, कल जब राज ऑफिस आया था तो उसका बर्ताव कैसा था? क्या वो थोड़ा सा डरा हुआ, कुछ घबराया हुआ था? सर, वो घबराया हुआ तो नहीं था, लेकिन कल वो ऑफिस से घर जल्दी चला गया था। कितने बजे? वैसे तो 7 बजे घर जाता है, लेकिन कल वो 3:30 बजे घर चला गया था। 3:30 बजे उसने घर जल्दी जाने की वजह बताई? नहीं सर, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। सर, मैंने सुना था उसे फोन पे बात करते हुए। अच्छा, किससे बात कर रहा था? अपनी बीवी से। कह रहा था कि आज घर जल्दी आएगा, उसे एक सरप्राइज देनी है। राज ऐसा कौन सा सरप्राइज देना चाहता था अपनी वाइफ मनीषा को? आप लोग कौन है? हम लोग CID से। CID? क्या बात है सर, कोई खून हो गया है क्या? जी हाँ, आपके ही ऑफिस में काम करने वाली मनीषा का खून हो गया है। What? Oh my God! मनीषा को कौन मार सकता है? जरूर उसके पति राज ने मारा होगा, और कौन कर सकता है ये घिनौना पाप? राज ने? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये खून राज ने किया? मनीषा की जिंदगी का एक ही कांटा था और वो था राज। और मनीषा अक्सर मुझे बताया करती थी कि कैसे राज ने उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है। लेकिन उनके पड़ोसी तो बता रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी चल रही है लाइफ। और अगर मनीषा को राज ने मारा है तो फिर राज को किसने मारा? क्या राज और मनीषा दोनों का खून हो गया? जी हाँ। आप लोगों को किसी पे शक है? ठीक है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीषा को राज ने मारा और राज को किसी और ने मारा? शायद हो सकता है मनीषा को कोई जाने वाला या उसका बॉयफ्रेंड। सचिन किसने किसको मारा और उस बंद कमरे के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये तो वो कुरियर बॉय ही बताएगा जिसने वो पार्सल राज तक पहुंचाया। जी कहिए। हम लोग यहाँ इस
कुरियर के बारे में कुछ पूछने आया है। ये तो अब डिलीवर हो चुका है, फिर अब क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि ये पार्सल जिस आदमी को डिलीवर किया गया है, राज, उसका खून हो गया है। क्या? आप लोग? हम लोग सीआईडी से। आप जरा इस गगन को बुलाइए, जिसने ये पार्सल वहां पे डिलीवर किया था। एक मिनट, गगन, गगन। सर क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है? गगन, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? हाँ। जरा ये रिसीट ध्यान से देखो। कल शाम 4:15 बजे तुम हर्ष अपार्टमेंट में गए थे एक पार्सल डिलीवर करने के लिए। हाँ साहब, मगर बात क्या है? गगन जरा सोच के बताओ, जब तुमने वो पार्सल राज को डिलीवर किया, उस वक्त उसके घर में कोई और भी था? सर मैंने पार्सल तो उनको उनके घर के बाहर ही दिया था, और उस वक्त वो अकेले ही थे। मनीषा दरवाजा खोलो। सर मिस्टर राज आपने? हाँ अभी तक तो मैं ही हूँ। सर आपका कुरियर। थैंक यू सर। साहब मनीषा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मैं भी हर बार भूल जाता हूँ कि एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। मनीषा कौन हो तुम लोग? थैंक यू। इसका मतलब है जब राज घर के अंदर गया, उस वक्त मनीषा और वो दो खूनी घर के अंदर ही मौजूद थे। देख कुरियर वाले गगन के बयान के मुताबिक जब राज कुरियर का पार्सल लेकर घर के अंदर गया, तब तक खूनियों ने मनीषा को मार डाला था। हाँ सर, शायद उन दोनों का मकसद सिर्फ मनीषा को ही मारना था। वो तो राज ने खून होते हुए देख लिया, इसलिए उस बेचारे का पत्ता कट गया। हाँ, और दया, जले हुए कागज के टुकड़े में कोई राज छुपा है, जिसकी वजह से मनीषा का खून हो गया। लेकिन क्या क्या हो सकता है वो राज जिसकी वजह से उस बेचारे की जान चली गई? और सबसे हैरानी की बात तो सर ये है कि उस दिन मनीषा को एक भी फोन नहीं आया, उसकी कॉल लिस्ट पूरी की पूरी खाली। जबकि राज के ऑफिस वालों ने कहा है कि ऑफिस से निकलने से पहले उसने मनीषा को फोन किया था, तो फिर कॉलेज खाली कैसे हो सकती है? वही तो। मतलब सर खूनियों ने जरूर मोबाइल फोन से कॉल लिस्ट मिटा दी होगी। हाँ कॉल लिस्ट मिटा दी होगी प्रणी, जरूर उस कॉल लिस्ट में ऐसा राज था जो मैं खूनियों तक पहुंचा सकता था। सर हाँ। सर ये रही मनीषा के फोन की कॉल लिस्ट। ऑफिस से निकलने से पहले राज ने मनीषा को दोपहर के 3:30 बजे फोन किया था, और ये देखो 3:15 बजे भी कोई इनकमिंग कॉल है लैंडलाइन के नंबर से। हाँ सर, सर ये लैंडलाइन नंबर तिलक नगर के किसी पीसीओ का है, और इस नंबर पे मनीषा ने तकरीबन 3 मिनट बात की थी। 3 मिनट बात की थी? तिलक नगर का पीसीओ, तिलक नगर। मेम साहब, हम सीआईडी से आए हैं, आपसे कुछ सवाल करते हैं। मुझसे? मगर मैंने तो साहब कोई खून होते हुए देखा नहीं है। मालूम है, लेकिन जो लोग यहाँ पे फोन करते हैं उनको तो देखा होगा आप। साहब यहाँ तो पता नहीं लोग कितने फोन करने आते हैं, तो आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? देखिए 2 दिन पहले आपके पीसीओ से एक फोन किया गया था दोपहर के 3:15 बजे। नंबर था 1092893333। क्या आप बता सकते हैं ये फोन किसने किया होगा? मैं तो आज के ग्राहकों की शक्ल पहचान नहीं सकता, तो ये 2 दिन पुरानी बात मैं कहाँ से याद रखूंगा साहब। अच्छा तुमने देखा, कुछ याद है तुम्हें? नहीं साहब, मालिक मुझे 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देते। ओए ऐसा कर, तू जा इनके लिए 3 चाय लेके आ सामने वाली दुकान से। जा। नहीं नहीं चाय की जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है ना साहब, तू जा जा लेके आ। सुनो। अरे साहब मैं जानता हूँ कि वो फोन किसने किया था। तो फिर आपने पहले मना क्यों कर दिया? वो जो लड़का मैंने काम पे रखा है ना, है उसके सामने मैं ये राज उजागर नहीं करना चाहता था। राज? कैसा राज? आप जरा वो घड़ी उतारने में मेरी मदद करेंगे प्लीज।
इसे पहचानते हैं? ये क्या है साहब? क्या है ये? ये जासूसी कैमरा है साहब। अच्छा, तो ये जासूसी कैमरा आपने क्यों लगा रखा है? साहब, जो अच्छा दुकानदार होता है ना, वो तो अपनी परछाई पे भी भरोसा नहीं करता, और मैं तो कई घंटों तक दुकान से बाहर रहता हूँ। आप भी बताइए, मैं उस लड़के के ऊपर भरोसा कैसे कर लूँ? बहुत बड़े जासूस हैं आप चाचा। अरे नहीं साहब। अच्छा, दो दिन पुरानी फुटेज होगी ना इसमें? हाँ हाँ, बिल्कुल होगी साहब, आप ले जाइए इसे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। जिसने मनीषा को फोन किया और उसका खून किया, वो इस कैमरे में कैद। चलो उसे इस कैमरे से बाहर निकाल। श्रेया, तो 3:15 बजे से पहले से रिकॉर्डिंग देखना शुरू करते हैं। देखें तो सही कौन लोग थे जो गुस्से थे उस पीसीओ में। सर, ये है वो दोनों जोड़ीदार जो मनीषा को फोन करने आए थे। पहले फोन किया और उसके बाद घर जाकर उसका खून कर दिया। इतने टोपी पहन रखी है, चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है। दूसरे की तो मूछे दाढ़ी है, मगर सर इन दोनों के चेहरे तो दिख ही नहीं रहे, तो फिर हम इन्हें पहचानेंगे कैसे? पहचान लेंगे फ्रेडी, किसी ना किसी तरह से तो पहचान ही लेंगे हम। श्रेया, जूम करो जरा चेहरे पर। पिक्सलेट हुआ है, फिर भी कुछ तो है। फ्रेडी, तू बच्ची को लेकर आओ नीना। यस सर। सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने जो कपड़े पहने हैं, मैंने देखा है कहीं। देखा? कहां पर गया? चलो आओ बेटा। कैसी है बेटा? ठीक है? हाँ। गुड गर्ल। चलो यहां देखो, इस आदमी को देखो गौर से। तुम पहचानती हो इसे? बोलो बेटा, तुमने इन्हें पहले कहीं देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। चल कोई बात नहीं। सर, याद है मैंने कहाँ देखा है? मनीषा के ऑफिस में सर, वहां पे वर्कर्स ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे थे। इसका मतलब है ये आदमी मनीषा के ऑफिस में काम करता है। तो फिर मनीषा का खून करने वाला ना सिर्फ मनीषा का कोई दोस्त या रिश्तेदार था, बल्कि उसके ऑफिस में काम करने वाला साथीदार। सर, आप लोग यहाँ? मनीषा के खूनी का पता चल गया? हाँ पता चल गया, इसीलिए उसे पकड़ने यहाँ पे आए हैं। खूनी ऑफिस में है सर? हाँ, इसी ऑफिस में। कौन? तुम्हारे ऑफिस का कोई ऐसा वर्कर जो नीले रंग का यूनिफॉर्म पहनता है। पर वो लोग मनीषा को क्यों मारेंगे? अब ये तो वही बताएंगे। ऐसे जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे, सबको बुलाइए जल्दी। किशोर, एक काम करो, अभी जल्दी जाओ और सारे वर्कर्स को लेकर आओ। ये इतने ही वर्कर्स है? कोई गायब तो नहीं है यहाँ से? अरे इनमें राजू और हीरो तो नहीं आए? सर, वो शायद गोदाम में है, अपना किशोर लेने गया है उनको। साहब, राजू और हीरू कहीं नहीं मिल रहे हैं सर। और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यही वो दोनों हैं जो मनीषा के घर गए थे उसका खून करने के लिए। आप लोग ये बताइए कि इन दोनों का मनीषा से कभी किसी भी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? नहीं सर, मनीषा का तो उनसे कोई काम ही नहीं रहता था, फिर झगड़ा क्यों होगा? अच्छा, किसी को पता है ये दोनों राजू और हीरू कहाँ गए होंगे? आप लोग जरा सोच के बताइए, आप में से किसी ने इन दोनों की कोई बातचीत सुनी थी? भाई, आप कुछ जानते हैं? सब मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलो क्या जानते हो? साहब, थोड़ी देर पहले मैं बाथरूम की सफाई कर रहा था तो
सीआईडी वालों को कैसे पता चल गया हमारे बारे में? नहीं नहीं, वो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके ऑफिस आने से पहले ही हम यहाँ से 9-11 हो जाएंगे, ठीक है? चल। नौ दो ग्यारह नहीं, सारी गिनती भूल जाएंगे वो दोनों। कहाँ रहते हैं लोग? क्रांति चौक। क्रांति चौक। दरवाजे नहीं खुल रहा है। कुछ करो ना। क्या सर? दया के दीवाने हो ना, तोड़ दो दरवाजा। सर नो। किसने किया है? कौन था वो? सर सोई तो मर गए। जिंदा जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। सर किसने किया है? हेलो कंट्रोल रूम। किसने? मैं पुपटौरी से बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक मिनट से। जल्दी से सर बोल दिया। क्या फायदा, अब तो इनकी लाशें ले जानी पड़ेंगी। सर लगता है दोनों वही हैं जो पीछे से मनीषा को फोन करने गए थे। बोलिए से तो वही लग रहे हैं, मगर ये सब इन्होंने किसी के कहने पे किया है। किसके कहने पे सर? उसी का है जिसने इस डर से इन्हें ऊपर पहुंचा दिया कि हम उन तक पहुंचने जाएं। मतलब सर खूनी को हमारे आने के बारे में पहले से पता चल गया था। मगर पता कैसे चला? फुटेज देखते समय बाहर की तो वो एक बच्ची थी, नीना। मतलब सर ये नीना उन सबके साथ मिली हुई है। नीना नीना, ऊपर जाके देखो। सर नीना, नीना क्या हुआ? सर नहीं पता हमारे मीना का क्या है। भगवान के लिए हमारी बेटी को बचा लीजिए, वो लोग हमारी बेटी को मार डालेंगे। कौन कौन मार देगा? हम लोगों को भी नहीं पता, हम लोगों ने उन्हें पहली बार देखा है। कितने लोग थे? एक आदमी और एक औरत, लगभग 30 साल के आसपास थे सर। आप लोगों के सामने वो लोग हमारे पड़ोसी होने का नाटक कर रहे थे। तो पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? उन्होंने हमको धमकी दी थी कि अगर मुंह खोला तो वो हमारी नीना को चांद से मार डालेंगे। अगर आपने सच्चाई पहले बता दी होती तो नीना सुरक्षित होती अभी। हम लोग डर गए थे, भगवान के लिए हमारी नीना को बचा दीजिए। घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा नीना को। पूर्वी, तुमने उस औरत के बारे में बताया था ना जो नीना को स्कूल छोड़ने गई थी, उसके बाद वो ऑटो से गई थी ना? पता करो उस ऑटो वाले ने उसे कहां पर छोड़ा था। आपने देखा है यहाँ पे किसी लड़की को? सर कुछ भी नहीं मिला, कुछ पता नहीं। चलो आगे देखते हैं, इन ऑटो वालों से पूछ लेते हैं। कहाँ गया भाई साहब ये? अरे भाई साहब चिंता मत करो, आपको जहां भी जाना होगा मैं आपको छोड़ कर आऊंगा।
पर सुनो तो हमारी बात। अरे साहब, मैं आपको कब से देख रहा हूँ कि आप एक एक रिक्शे वाले के साथ मगजमारी कर रहे हो। अरे साहब बैठो ना, मैं मीटर डाउन करता हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है कोई ऑटो वाला CID वाले को मना करेगा? आप CID से हैं? जी, और हमें आपसे कुछ सवाल पूछने। पूछिए ना। तुम ये बताओ, कल सुबह 9:45 तुमने किसी औरत को IIM स्कूल के सामने से लेकर गए थे? वो पटवाड़ी चौल में रहती है। हाँ सर, छोड़ा था, लेकिन आपको कैसे पता? ओह, तो तुम ही हो वो। कोई गलती हो गई क्या साहब? नहीं, तुम ये बताओ कि तुम्हें उस औरत के बारे में क्या क्या याद? जहाँ तक साहब मुझे याद है, वो काली कलर की साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल बंधे हुए थे, और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर मेरे पास आई थी। अच्छा, तुमने उस औरत को कहाँ पर छोड़ा था? सब उस साइड में। साहब, यही वो जगह है जहाँ मैंने उस औरत को छोड़ा था साहब। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। सर, मनीषा के ऑफिस के बाहर। इसका मतलब है राजू और हीरू के अलावा कोई और भी चालबाज इसमें मिला हुआ है, राज और मनीषा के खून में। चलो, तुम यहीं पे रुको। इन दोनों के अलावा और कोई काम वाली बाई नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो यही दोनों काम करती है। मगर सर, इनमें से तो वो नहीं है। तो मतलब वो औरत कोई काम वाली बाई थी ही नहीं, काम वाली बाई के भेष में कोई और ही आई थी यहाँ पे। तुम पहचान लोगे ना उसे? हाँ सर। यहाँ तुम्हारे ऑफिस में स्टाफ में जितने भी मेंबर्स हैं सबको यहाँ बुलाओ। लेकिन सर, सभी लोग तो यही पे। पक्का? कोई छूट तो नहीं रहा? अरे हाँ सर, यहाँ पे मनोज और सुहाना नहीं है। मनोज और सुहाना? इसका मतलब है वो बच्ची हीना के घर में जो पड़ोसी थे वो कोई और नहीं, मनोज और सुहाना ही थे। इन दोनों का फोन नंबर चाहिए हमें। मैं आपकी बात कर रहा था सर। मौत को गले लगा ले। नहीं, मुझे हाथ मार, मुझे छोड़, प्लीज। तुझे छोड़ देंगे तो CID वाले हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा देंगे। और हम मर जाएं, उससे तो अच्छा है कि तू मर जाए। मैं CID को कुछ भी नहीं बताऊंगी, मुझे छोड़ दो। भगवान की कसम, मैं उनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अरे तू भगवान का नाम क्यों ले रही है? हाँ, भगवान के पास ही तो पहुंचाने जा रहे हैं हम तुझे। बाय बाय नीना। पे कंटानता है, हैं? तुम लोग यहाँ पहुंच ही गए। क्या करें, मुजरिमों तक पहुंचने की बड़ी बुरी आदत है हमारी। ए! लड़की को छोड़ो। जाने दो हमें, वरना इस लड़की को मार दूंगी। देखो, तुम लोग यहाँ से जा नहीं सकते, लड़की को छोड़ो। खबरदार, एक गोली और ये लड़की गई। सब अपनी अपनी गन्स नीचे रखो। गन्स नीचे रखो वरना लड़की को गोली मारू। नहीं, लड़की को छोड़ दो। अरे इसे कैसे छोड़ दो, यही तो हमारे जिंदा रहने की लॉटरी है। छोड़ना नहीं है, निकल, जान के पीछे जाओ। चल।
में गोली लग गई है, ठीक से चल नहीं पा रहा, फिर भी भागने की कोशिश करो। चल चल गाड़ी में बैठ। सीआईडी के रहते हुए बच्ची पे गोली चलाएगी? हाँ क्यों मारा मनीषा को तुम लोगों ने? मनीषा हमारा राज जान गई थी, इसलिए उसे मारना जरूरी था सर। कैसा राज? आपको तो पता है कि हमारी कंपनी कॉल सेंटर के अलावा एसी, कंप्यूटर और टेलीफोन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंपनी का बायोडाटा नहीं जानना है, असली बात बताओ। सारे सरकारी दफ्तर हमारी क्लाइंट की लिस्ट में आते हैं सर, इसीलिए दुश्मन देश के कहने पर हम लोग उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एसी सॉट टेलीफोन्स में बग लगाते थे सर, जिससे उन्हें हमारे देश की खुफिया जानकारी मिलती थी और हमें बहुत सारे पैसे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, थोड़े से पैसे के लिए तुम लोगों ने देश के साथ गद्दारी की। लेकिन तुम लोग तो सरकारी दफ्तर में नहीं जाते थे, बग कौन लगाता था? राजू और हीरू, हमने उन्हें भी पैसे देके अपनी तरफ कर लिया था। और राज को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने तुम दोनों को मनीषा का खून करते हुए देख लिया। हाँ। और ये मासूम बच्ची, इसको वहाँ पे क्यों भेजा? सर वो मेरी घड़ी वहाँ छूट गई थी, मैं डर गया कहीं आप लोगों को मेरी घड़ी ना मिल जाए, इसलिए मैंने इसे भेजा था वहाँ पे वो घड़ी लाने के लिए, लेकिन इसने हमारा सारा प्लान बिगाड़ दिया सर। एक तो गुनाह पे गुनाह करते गए, फिर अपने काले कारनामे छुपाने के लिए इस मासूम को भी उस दलदल में खींच लिया। अंकल, इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया तो ये लोग मेरे माँ और बाबा को मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारे माँ बाबा को, हैं? वो लोग बिल्कुल ठीक हैं। देखा ना तुमने, बुराई की हमेशा हार होती है और सच्चाई की जीत। अंकल तो अब इनका क्या होगा? इतनी रात को, दिन में तो कभी फोन की घंटी बजती नहीं, इतनी रात को हमें कौन याद कर रहा है? हेलो, कौन? हाँ कहिए, लेकिन आप कौन बोल रही है? बेटा, 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 श्रेया बेटा, उठो। माँ, सब ठीक है ना? श्रेया, लैंडलाइन पर तुम्हारे लिए फोन आया है, बात कर लो। लैंडलाइन पे? पापा? हेलो? मुसीबत में है वो। दिव्या,
श्रेया, श्रेया, दिव्या, श्रेया। ये खून, ये क्या हुआ दिव्या? बताओ ना क्या हुआ? ये खून कैसे निकला? श्रेया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन श्रेया, तुम पहले मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलवाओ जिस पर तुम पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ दिव्या, लेकिन बताओ तो सही क्या हुआ? श्रेया प्लीज। दिव्या, ये लो। थैंक यू सर। बोलो दिव्या, क्या बात है? देखो, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहां पे सुरक्षित हो। बताओ क्या हुआ? दिव्या, डरो मत, जो भी है सब दया सर को बता दो, तुम इन पर पूरा भरोसा कर सकती हो। आज जब मैं अपने घर पहुंची तो मैंने देखा, अभिजीत, दरवाजे का ताला थोड़ा नहीं गया, लगता खूनी इन लोगों को पहचानता था। या फिर खूनी के पास घर की चाबी हो। ये भी हो सकता है, लेकिन इन लाशों को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो, घर के बाहर जाके चेक करो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या। तीनों लोगों को चाकू से ही मारा गया है। दिव्या, तुम्हारे पति की या सास ससुर की किसी से कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, उनका कोई दुश्मन नहीं था। मेरी शादी को अभी सिर्फ 3 ही महीने हुए थे, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब इसम के लोगों के। दिव्या, हम लोग समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही है, पर खूनी को पकड़ने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ठीक है सर, मैं सब कुछ बताऊं। कल रात को जब मैं एक फंक्शन से घर लौटी, ये दरवाजा कैसे खुला है? बात क्या श्रेय, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। सर, मुझे दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा है, इसे जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिली। कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था इसका, जो एक्सीडेंट में मारा गया, और अब शादी के 3 महीने बाद ही ये विधवा हो गई। दिव्या, खूनी के बारे में हमें कुछ और बता सकती हो? कोई खास बात? हाँ सर, उसके हाथ पर एक टैटू था, ड्रैगन टैटू था, तलवार के साथ। ड्रैगन का टैटू? तुम उसका डिजाइन याद है? उस टैटू का स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? गुड। सर, गार्डन में से ये मैच बॉक्स मिला है सर, वहां पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था सर, और ये इस पत्थर पे भी खून लगा हुआ है। ये जब मैं रात को घर से बाहर भागी, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो।
तो फिर हो सकता है ये खून उस हमलावर का हो। उस मैच बॉक्स पे भी होटल का नाम लिखा हुआ है, होटल सी पर। अभी हाल ही में ये माचिस तुमने किसी को दी थी, याद करो। नहीं सर। नहीं, ठीक है। तुम देखो, तुमने किसी को दी थी ये? जी नहीं। ठीक है, देखो याद करो, ये माचिस तुमने किसी को दी थी अभी हाल ही में? सर ये एक हफ्ते पहले हमने कस्टमर को दिया था। सर दिया था? किसको किसको दिया था ये? सर नाम तो मुझे पता नहीं। चेहरा याद है उसका? चेहरा मैडम से पूछ लिए सर, इन्हीं के साथ तो आया था वो। मेरे साथ? ये टैटू देखिए, ये आपने बनाया? वन सेकेंड, मैं जब भी कोई खास टैटू बनाता हूं तो उसका फोटो मैं जरूर संभाल कर रखता हूं, और अगर मैंने ये टैटू बनाया है तो उसका फोटो जरूर खींच के रखा होगा। देखिए आप, ये रहा सर। ये तो वो वही डिजाइन है। कौन कौन आया था ये टैटू बनवाने? सर उसका नाम तो मुझे नहीं पता। चेहरा याद है? चेहरा मुझे याद है। क्या बकवास कर रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम। सर एक हफ्ते पहले मैडम आई थी कैंडल लाइट डिनर के लिए, इन्हीं के साथ वो आदमी भी थे। सर मोमबत्ती जलाने के लिए जैसे ही मैंने अपनी माचिस निकाली, उनको वो माचिस पसंद आ गई और उन्होंने मुझसे मांगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैच बॉक्स और थी जो मैंने उनको दे दिया। सर इसके बदले उन्होंने मुझे एक अच्छी खासी टिप भी दी। मैं आज से पहले यहाँ कभी नहीं आई, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन मैडम मैं तो, जब मैम कह रही है कि नहीं आई तो नहीं आई होगी, मैं इसको कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। अच्छा लखन ये बताओ कि जिस आदमी को तुमने ये मैच बॉक्स दिया था उसके हाथ में यहाँ पे टैटू था? हाथ पे टैटू याद नहीं है सर, लेकिन मैडम से पूछ ली, शायद इनको मालूम हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, फालतू की बकवास कर रहे हो। रिलैक्स, हो सकता है इसने तुम्हारी तरह दिखने वाले किसी और लड़की को देखा होगा किसी के साथ, शायद इसलिए कह रहा है। लेकिन सर जब मैं कह रही हूँ कि मैं आज यहाँ पहली बार आ रही हूँ, फिर भी ये वही की वही बात किया जा रहा है। हम तुम्हारी बात पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर इसने उस आदमी को ये मैच बॉक्स दिया था तो ये हमारे लिए उसका स्केच बनवा सकता है। हाँ सर। सर स्केच रेडी है। दोनों जगह एक ही आदमी? हाँ सर। जानती हो इसे? वरुण और श्रेया, तुम भी जानती हो इसे? हम तीनों कॉलेज के अच्छे फ्रेंड्स थे, श्रेया और वरुण में अच्छी दोस्ती थी। श्रेया तुम वरुण के साथ होटल सीपल में क्यों गई थी? सर मैं वरुण के साथ उस होटल में नहीं गई थी सर, इनफैक्ट मैं तो वरुण से सालों से मिली भी नहीं। तुम फिर झूठ बोल रही हो, सच क्या है श्रेया वो बताओ। सर झूठ मैं नहीं, झूठ ये वेटर बोल रहा है। सर मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं तो इनको ठीक से जानता भी नहीं हूँ, वो तो आपने बोला था स्केच बनवाने के लिए तो मैं यहाँ पे चला आया। एक मिनट श्रेया, तुम जरूर हमसे कुछ छुपा रही हो, क्या बात है? श्रेया अगर तुम वाकई में अपनी सहेली दिव्या की मदद करना चाहती हो, सच सच बताओ, बात क्या है? सर मेरा विश्वास कीजिए प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेटर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहा है। चल इस वरुण के घर जाओ और ब्यूरो लेकर आओ,
पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। वरुण, वरुण को इस फ्लावर वास से मारा है। फ्लावर वास? इसका मतलब खूनी ने इसके सर पे पीछे से वार किया इस फ्लावर वास से, और इसके माथे पे ये चोट लगी है, और ये चोट पुरानी लगती है। दिव्या ने बताया था जब वो घर से भाग रही थी तो उसने खूनी के सर पे, कहीं वही चोट तो नहीं है? पंकज एक काम करो, घर में हर जगह चेक करो, दरवाजे पे, खिड़कियों पे, जितनी भी उंगली के निशान है सब उठा लो। चलिए सर। सर कॉलेज के वक्त वरुण और दिव्या ज्यादा बात भी नहीं करते थे, फिर वरुण दिव्या के घर वालों को क्यों मारेगा? श्रेया ये देखो, ड्रैगन वाला टैटू जिसके बारे में दिव्या ने बताया था, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वरुण ऐसा नहीं था। श्रेया तुम कई सालों से वरुण से नहीं मिली हो, इतने सालों में इसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तुम्हें पता नहीं है। कोई तो बात होगी जो तुम नहीं जानती, या फिर दिव्या भी नहीं जानती। लेकिन सर, वैसे भी श्रेया दिव्या के पति और ससुराल वालों के बारे में हमने तहकीकात की है, उनका कोई दुश्मन नहीं था, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उनके पूरे परिवार को मारने का कारण हो, और ये वरुण उतना शरीफ है नहीं जितना तुम समझती हो। फिर वरुण को किसने मारा सर? अब इस बात पे तो डॉक्टर सालों के ही रोशनी डाल सकते हैं। क्या हुआ सालों के सर, आपने हमें यहां इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? कुछ टेंशन है? ये देखिए, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ है दया, खिड़की पर जो खून से सने हुए फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो फिंगरप्रिंट्स श्रेया के हैं। और खिड़की पे जो खून मिला है वो भी श्रेया का है? वो खून वरुण का है। मतलब वरुण का खून हुआ तब श्रेया वहां पे थी? श्रेया का कहना है कि वो कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है। सबूत तुम्हारे सामने है। श्रेया किसी का खून नहीं कर सकती सर। तारिका, हमारा काम भावनाओं में बहना नहीं है बल्कि सबूतों को समझना और समझाना है। और ये वास जो वरुण के घर से मिला, इस पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? नहीं अभिजीत, इस वास पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं, शायद साफ कर दी गई हूं, लेकिन जो खून इस वास पर लगा हुआ है वो खून वरुण का ही है। वरुण और श्रेया कॉलेज के पुराने दोस्त थे, पर श्रेया के पास कोई वजह नहीं थी वरुण का खून करने की। लेकिन दया सच्चाई यही है कि खिड़की पर जो खून से भरे हुए फिंगरप्रिंट्स थे वो श्रेया के ही। और दिव्या के घर से जो खून से सना हुआ पत्थर मिला, इस पत्थर पे किसका खून है? वरुण का ही खून है। मतलब दिव्या की फैमिली का खून वरुण ने किया, और वरुण को
श्रेया ने मारा। हाँ अभिजीत, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को श्रेया को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी ये नहीं हो सकता। अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन यहां पर नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं कि एक सीआईडी ऑफिसर के लिए मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है, चाहे वो आपका अपना हो चाहे कोई गैर। श्रेया की उंगलियों के निशान अगर वहां पर थे जहां पर वरुण की मौत हुई, तो इसका मतलब श्रेया वहां पर थी। ऐसी बात है डॉक्टर साहब, तो मैं भी आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। आपके उंगलियों के निशान क्राइम सीन पर छोड़ दिए गए थे, जबकि आप निर्दोष थे, शायद आप भूल गए। नहीं, मैं कुछ भूला नहीं भैया, मैं सिर्फ आप लोगों को यह कह रहा हूं कि आप लोगों को श्रेया से अच्छी तरह से पूछताछ करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, मैंने कब मना किया? हमें श्रेया को यहां बुला लेना चाहिए था। दया सर का फोन? यस सर। श्रेया तुम इस वक्त कहां पर? मैं घर पे हूं सर। क्या तुम अभी फॉरेंसिक लैब आ सकती हो? क्या बात है सर, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम्हारा यहाँ इस वक्त होना जरूरी है। आपकी आवाज से लग रहा है जैसे कुछ टेंशन है, क्या हुआ सर? दरअसल खूनी के फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ मैच हो गए, और शायद वही खूनी है। फिंगरप्रिंट्स? सर खूनी कौन है? हाँ बताता हूँ, तुम फॉरेंसिक लैब में आ जाओ प्लीज। ठीक है सर, मैं अभी आती हूँ। वरुण के घर से हमें तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। क्या हुआ श्रेया, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? देखो श्रेया, तुम्हारे चुप रहने का एक ही मतलब हो सकता है कि ये तुमने किया है। क्या किया है तुमने? चुप क्यों हो श्रेया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। जवाब दो श्रेया। मैंने किया। क्या? मैंने वरुण का खून किया। श्रेया तुम वरुण का खून कर ही नहीं सकती। तुम क्या कह रही? ये सच है सर, मैंने वरुण को मार डाला। श्रेया तुम ये क्या कह रही हो? हाँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो? बताओ श्रेया, क्यों मारा तुमने वरुण को? मैंने और वरुण ने मिलकर दिव्या के पति और सास ससुर को मार डाला। मैं तो इसे भी मार डालना चाहती थी, पर ये बच गए आखिरी सबूत को खत्म करने के लिए। मैंने वरुण को भी खत्म कर दिया। तुम झूठ बोल रही हो श्रेया। ये सच है सर। नहीं श्रेया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम इतने सारे लोगों का खून कर ही नहीं सकती। जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये सारी हत्याएं मैंने की हैं, तो आप मान क्यों नहीं लेते? नहीं श्रेया, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? अच्छा तुम दिव्या का खून क्यों करना चाहती थी? दिव्या तो तुम्हारी सहेली है ना? मैं दिव्या से बदला लेना चाहती थी, इसने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया था। मैंने उसे खो दिया जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती थी। नहीं सर, श्रेया ऐसा नहीं कर सकती है, जरूर कुछ और बात है। ये हमसे कुछ छुपा रही है ना? मैं धीरज से प्यार करती थी, मगर वो तो तुम्हें जाने लगा था। कितनी बार मैंने उसे समझाया कि तुमसे दूर चला जाए, मगर वो तो तुमसे रिश्ता तोड़ना ही नहीं चाहता था। उसका एक्सीडेंट हुआ तब मैं पूरी तरह से टूट गई थी।
तभी मैंने ठान ली थी मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। श्रेया, तुम ये क्या कह रही हो? उसके बाद तो तुम मेंटल असाइलम चली गई थी ना ट्रीटमेंट के लिए। तुम्हें ये सब याद नहीं होगा दिव्या? मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। पूर्वी, ले जाओ श्रेया को यहां से। रुक जाओ श्रेया। तुम्हारा बैच और तुम्हारी गन। ये क्या कर रही हो तुम? पूर्वी प्लीज मुझे जाने दो। देखो श्रेया, तुम बहुत गलत कर रही हो। मुझे मेरी गन वापस दो। पूर्वी मेरे पीछे मत आ। श्रेया मुझे मेरी गन। श्रेया मेरी गन लेकर भाग गई। क्या? हाँ सर, उसने मुझे मारा और वो भाग गई। Damn it! इससे साफ जाहिर होता कि ये सब श्रेया ने किया है। खून श्रेया ने किया। नहीं नहीं सर, अगर श्रेया ने सारे खून किए होते तो वो यहाँ ब्यूरो में क्यों आती? अपना जुर्म स्वीकार क्यों करती सर? हाँ सर, वो चुप भी रह सकती थी। क्यों चुप रहती अभिजीत? क्यों चुप रहती बताओ? उसने सोचा भी नहीं था कि उसके फिंगरप्रिंट मैच हो जाएंगे। जब सबूत उसके खिलाफ है तो उसे मानना ही पड़ा। लेकिन सर, अगर ये सारे खून उसने किए हैं तो वहीं से भाग सकती थी सर। उसका यहाँ ब्यूरो में आना और अपना जुर्म स्वीकार करना, सर उसने नहीं किया सर। दया नहीं, ये खून श्रेया ने ही किया है, उसी ने किया है, समझे तुम? एक सीआईडी ऑफिसर कानून के साथ ऐसा खेल नहीं कर सकता। रेडी, सारे पुलिस स्टेशन और चेक पोस्ट में जाकर कहो कि हमारी सीआईडी ऑफिसर श्रेया फरार है। सर जल्दी। कि क्या कर दिया श्रेया ने? उसको भागना नहीं चाहिए था। अभिजीत, श्रेया बेकसूर है। अभिजीत, अगर श्रेया कई सालों से वरुण के घर गई नहीं है तो फिर उसके उसके फिंगरप्रिंट्स वहां खिड़की पे कहां से आए? हाँ। हो सकता है कि किसी ने श्रेया के फिंगरप्रिंट्स क्राइम सीन पे प्लांट कर दिया। हाँ अभिजीत, यही हुआ है। तब तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि हाल ही में श्रेया कहाँ कहाँ गई थी और ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पे उसने ये उंगलियों के निशान छोड़े होंगे और खूनी ने उसकी छाप ले ली होगी। करेक्ट। ओह नो। क्या अभिजीत, कुछ दिनों पहले श्रेया समय अनाथालय के एक चैरिटी शो में गई थी और वहां पे कुछ बच्चों ने मोम और मिट्टी के मॉडल्स बनाए थे। हाँ, श्रेया ने भी बनाए थे। फिर तो वहीं से खूनी ने श्रेया की उंगलियों के निशान उठाए हैं। मैं काम करता हूँ, अनाथालय जाके पता करता हूँ। तब तक मैं वरुण के घर जाके देखता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। ओके। जितने भी मॉडल बने थे सबके सब यहीं पे हैं?
हाँ, इसी कमरे में सारे रखवाए थे। मैम आपको पूरा यकीन है? हाँ, फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार गिन लेती हूँ। कमाल है, मैंने तो यहाँ पर 25 मॉडल रखवाए थे, अभी सिर्फ 24 है। 24? तो फिर एक कहाँ गया? पता नहीं। देखिए, हमारी ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मॉडल कौन लेके गया है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन यहाँ तो परमिशन के बगैर कोई आता ही नहीं। आपके अलावा कोई और है जो यहाँ पे आता है? काम करो, वरुण के जूते लेके आओ, उससे मैच करके देखते हैं। पर सर, ये तो वरुण का घर है, वो दीवार फाड़ के क्यों जाएगा? पंकज, हर एक एंगल को चेक करना पड़ता है, तुम बाद में समझ जाओगे। जूते ले आओ। सब, मैं तो गेट पे ड्यूटी देता हूँ, मुझे किसी क्ले मॉडल के बारे में कुछ पता नहीं। पता कैसे होगा, गेट पे रहते कहाँ? क्या कर रहे थे कमरे में, सो रहे थे? सर, एक क्ले मॉडल चोरी हो जाता है और इन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। किसी को तो मिट्टी का मॉडल ले जाते हुए देखा होगा। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। I'm sorry सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हो गया। देखिए मैडम, चोरी तो हुई है, कोई तो है जिसने वो मिट्टी का मॉडल चुराया है। लेकिन सर, मिट्टी के मॉडल में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, मुझे लगता है वॉचमैन झूठ बोल रहा है, इसे ब्यूरो ले चलके अच्छे से पूछताछ करें। लौटा सर, ये तो भाग रहा है। दौड़ने की प्रैक्टिस चल रही है ना सर, तो खड़े क्या, पकड़ो उसे। नहीं, वरुण का जूता मैच नहीं हो रहा है, काफी बड़ा है। इसका मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसने या तो खून होते हुए देखा था या फिर उसने खुद खून किया है। फिर वो तीसरा आदमी कौन है जो यहां से दीवार ला के भागा है? सर, तो फिर श्रेया ने अपने सर पे इल्जाम क्यों ले लिया? भागने का बहुत शौक है? सब सब मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? वो मॉडल जिस पे श्रेया की उंगलियों के निशान थे, किसने चुराया? सब मैंने लिया था साहब, उसके लिए मुझे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने वो क्ले मॉडल चुराया, उसको दे दिया। कौन कौन था वो? पता नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। सच सच बता रहे हो वरना? सब सब उसने काला लंबा कोट पहन रखा था और सर पे टोपी भी पहन रखी थी, मुंह कपड़े से ढक रखा था, आंखों पे चश्मा था साहब, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा साहब। और कुछ याद है उसके बारे में? हाँ साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कर दूं? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। सीआईडी वालों को मेरा नाम बोलने से पहले इसका अंजाम सोच लेना चाहिए था तुझे। तब तो बड़ा सीना तान के मेरा नाम लिया तूने और अब माफी मांग रहा है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो ये गलती तो फिर कभी नहीं करेगा, क्योंकि गलती करने के लिए तू बचेगा ही नहीं। गलती के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो मैडम। तेरी वजह से सीआईडी अब मुझ पर शक कर रही है, इसकी सजा तो अब तुझे मिलेगी।
क्या बात है सर? श्रेया, मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वरुण के घर में तुम्हारे अलावा कोई और आदमी भी था, तो हो सकता है कि वरुण का खून उसी ने किया। ये सही नहीं है सर। वरुण का खून मैंने किया है, सारी हत्याएं मैंने की है। पता नहीं क्यों श्रेया, मेरा मन कहता है कि तुम बेकसूर हो। मैं बेकसूर नहीं हूँ सर, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर रही हूँ, खूनी मैं हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी के दबाव में आके ये सब कह रही हो? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि सारे खून मैंने किए, मैं ही खूनी हूँ, आप मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मगर श्रेया, ये ठीक कह रही है। शीत, तुम यहाँ? हाँ मैं। देख, अगर श्रेया कह रही है कि खून इसने किया है तो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। कि तुम क्या कह रहे हो अभिजी, तुम्हें श्रेया पे विश्वास नहीं? तुम इस पे शक कर रहे हो? कैसे विश्वास करूं? अगर ये बेकसूर है तो फिर भाग क्यों रही है? अब ये भागी क्यों, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आया। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ है। क्या बात है अभिजी, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? ऐसा है क्या इस सीढ़ी में? दे बस देखते जाओ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दिया जाएगा, मैं चाहता हूं तुम लोग एक और फुटेज देखो। क्या है उस फुटेज में? असली खूनी। लेकिन मैं चाहता हूं कि दिव्या को भी बुला लेते हैं, आखिर खूनी उसका और उसके परिवार वालों का भी तो गुनहगार है। पूर्वी, लोगों ने मुझे यहां क्यों बुलाया? एक फुटेज दिखाना है आपको, इस फुटेज को देखने के बाद सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा असली गुनहगार कौन है। तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना है, खून कर डाला तुमने, तुम्हारी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, मारा गया वो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। लेकिन मैं एक दिन तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। अब समझ में आया श्रेया, असली खूनी कौन है? लेकिन सर, धीरज की मौत एक एक्सीडेंट थी। नहीं,
श्रेया ने ही धीरज को मारा था। खूनी है ये, खूनी। साइरो, साइरो। श्रेया, आज तुम यहां से बाहर जिंदा नहीं जाओगी। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत साल इंतजार किया है। दिव्या प्लीज, वो एक एक्सीडेंट था। मैं तुम धीरज एक मूवी देखने जा रहे थे और रास्ते में मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी की बोतल लेने के लिए धीरज गाड़ी से नीचे उतरा। मैं जैसे ही रास्ता क्रॉस करने गया तब एक ट्रक आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुमने उस दिन पानी नहीं मांगा होता तो वो एक्सीडेंट कभी नहीं होता। और धीरज आज मेरे पास होता, जिंदा होता वो। लेकिन छह साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोचती रही कि तुमसे बदला कैसे लूं। इसलिए मैं मेंटल असाइलम से ठीक होने के बाद ऑर्फेनेज रहने गई और वहां मैंने प्लान बनाया। बस तेरी थी तो सिर्फ एक मौके की और वो मौका मुझे मिल गया। बहुत हो गया दिव्या, तुम उसे एक एक्सीडेंट के लिए श्रेया को दोषी ठहरा नहीं सकते। खूनी तो तुम हो। श्रेया से बदला लेने के लिए तुमने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चार चार लोगों को मारा है तुमने। नहीं, मैंने नहीं मारा, मैंने उन्हें मरवाया है। मुझे बेटर लखन, मैंने उसको अपने प्लान में शामिल कर लिया था। बस मेरे कहने पर ही उसने सारे खून किए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई औरत कैसे अपने पति और अपने परिवार वालों का खून करवा सकती है? जिस फिल्म को देख के तुम्हें ये आइडिया आया खून करने का, वो सीडी हमें मिल चुकी है। वरुण को क्यों मरवाया तुमने? क्योंकि वरुण ने एक बार धीरे से ये कहा था कि वो मुझे छोड़ दे, क्योंकि मैं एक पागल हूं। दिव्या, वरुण ने धीरज से ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो तुम्हें समझाए कि तुम अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। इस सब का तुमने कितना गलत मतलब निकाला। नहीं, मैं गलत नहीं हूं, तुम सब लोग गलत हो। गलत है पूरी दुनिया। पर आज मैं तुम्हें भी वरुण के पास पहुंचा दूंगी। नहीं, होश में आओ दिव्या, गन नीचे करो, गन लाओ मुझे। कभी भी नहीं। श्रेया, गन छोड़ो। श्रेया, तुम ठीक हो? हाँ सर। प्लान तो अच्छा बनाया था तुमने, यहां तक कि श्रेया की उंगलियों के निशान उस मिट्टी के बर्तन से उठा के वरुण के घर पर रख दिए ताकि श्रेया फंस जाए। लेकिन सीआईडी की नजरों से असली गुनहगार कभी नहीं बचता, समझी दिव्या जी? श्रेया, तुमने पूरा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? ज्यादा होशियारी मत करना, जैसा कहता वैसा करो वरना तुम्हारे माँ बाप को मैं उड़ा दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत श्रेया, कुछ नहीं होगा तुम्हारे मम्मी पापा को। कहाँ छुपा के रखा है तुमने श्रेया के मम्मी पापा को? कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। पूरी जिंदगी अफसोस होगा तुम्हें, सिर्फ अफसोस। शांत करो। क्या करें मैडम, श्रेया के मम्मी डैडी का आपने कहा था ना, अगर एक घंटे में आपका फोन नहीं आया तो आपको फोन करें। मैं आ रही हूँ। ओके मैडम। ट्रेस करो, पता करो ये मोबाइल नंबर कहाँ का है। चाकू रखे साइया, मार सके ना कोई। श्रेया के मम्मी डैडी को तो हम लोग बचा लेंगे, लेकिन तुम सड़ोगी जेल में। फांसी का ऑर्डर आने तक पूर्वी ले जाओ इसे। सर, चलो। अभिजीत, तुम्हें इस दिव्या पे कैसे शक हुआ? दिव्या के ऊपर तो मुझे तभी शक हो गया था जब मैंने
उस अनाथालय के वॉचमैन से पूछताछ की थी। उसकी आवाज अजीब सी थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बनावटी आवाज थी, आवाज बदल के बात कर रहा हो। और सब उसके हाथ है ना एकदम पतले पतले थे, मतलब उंगलियां भी पतली पतली थी, ऐसा लग रहा था किसी लड़की का हाथ है। और ये वाली उंगली ना सब छोटी वाली उंगली, इसमें सोने की अंगूठी थी जो हरे पत्थर से जड़ी हुई थी। उसके बाद थोड़ी तहकीकात की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। थैंक यू सर, आज आपकी वजह से। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये सब तो मैंने दया के लिए किया है। निकालो रुमाल, निकालो बांधो। यस बॉस, मोतीचूर का बड़ा लड्डू रख दिया है। 15 अगस्त के दिन बड़ा तहलका होगा, पूरा शहर चूर चूर हो जाएगा। सीआईडी क्या करेगी? सीआईडी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन सिर्फ कोशिश करेगी। उनको भी शहीदों में शामिल करने का पूरा प्लान कर चुका हूं। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। 15 अगस्त के दिन ये देश खुशियां नहीं मातम मनाएगा, मातम। ये क्या है, हॉलिडे रिसॉर्ट का ब्रोशर? ये किस केस में तहकीकात कर रहे हो? मिशन पत्नी खुश। तो क्या है, कई दिनों से स्मिता को कहीं घुमाने नहीं लेके गया ना, इसीलिए वो मेरा केस ले रही है। ओहो, छुट्टियों पे जाना चाहते हो फ्रेडी? सिर्फ एक दिन के लिए सर, कल 15 अगस्त है, सोचा उसे कहीं घुमा लाओ। नहीं फ्रेडी, कल 15 अगस्त जरूर है, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। लेकिन फ्रेडी, जब हमारे देशवासी खुशियां मनाते हैं तो हमें और भी चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। यस सर। सर, सैयद ज्योत्सना है और उनकी बेटी सोनिया आपसे मिलना चाहते हैं। पहचाना मुझे? पांच साल पहले आपने तो मेरी जान बचाई थी। जी हाँ सर, उस वक्त सिर्फ ये 10 साल की थी। अच्छा, कौन से केस में बेटा? स्कूल पिकनिक किडनैपिंग केस। ओ, अच्छा 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 अच्छा, अरे तुम तब कितनी बड़ी हो गई हो, हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा? सर ये 10वीं में पढ़ रही है। अच्छा, वेरी गुड, तो बता कैसे आना हुआ? सर हमारे स्कूल में ना कल इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, तो आप जरूर आना प्लीज। अच्छा, हम कोशिश करेंगे। सर कोशिश नहीं, जरूर आना, चाहे 10 मिनट के लिए सही प्लीज। ठीक है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। जी बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू। मे आई कम इन सर? हाँ सर, रौनित नाम है मेरा, मैं दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्टर हो, बताइए। कुछ देर पहले मुझे एक आदमी का फोन आया था। हाँ। वो मुझसे कह रहा था कि कल इस शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला? अरे तो फिर मौसम विभाग को इन्फॉर्म करो ना भाई। सर हमें क्यों पता रही है? फ्रेडी। सर वो उस तूफान की बात नहीं कर रहा था, दरअसल वो कल इस शहर में होने वाली तबाही की तरफ इशारा कर रहा था। आतंकवादी हमला? उसका नंबर आया होगा ना तुम्हारे मोबाइल पर? जी हाँ, 00991 319 528। काम करो, इस नंबर का पूरा कॉल रिकॉर्ड चेक करो सर। हाँ। एक बात और सर। वो क्या? मैंने उसके साथ जो भी बातचीत की वो सब मैंने अपने इस मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। एक्सीलेंट रजत।
थैंक यू। पत्रकार महोदय, कल की ताजा खबर आज सुन लो। कल 15 अगस्त के दिन एक बार फिर आम जनता को आजादी मिलेगी। उनके जीवन के टेंशन और परेशानियों से उनको हम मुक्ति दिलाएंगे हमेशा के लिए। कौन कौन बोल रहे हो तुम? मैं बोल रहा हूं यमराज। ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2, 4, 6, 8 नहीं सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा। इतना छाप देना कल के अखबार। लेकिन सर, दहशत फैलाने वाला शायरी क्यों बोलेगा? सर, मुझे तो लगता है किसने मजाक किया। नहीं रजत, इसे मजाक मत समझो, जरूर इस धमकी के पीछे कुछ ना कुछ तो छुपा है। फिर से सुनो, जरा वॉल्यूम बढ़ा। यमराज, ध्यान से सुनो, पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा। हाँ सर, कोई चिल्ला चिल्ला के कुल्फी बेच रहा है। नथू की कुल्फी, नथू की कुल्फी, नथू की कुल्फी, नथू कुल्फी वाला। सर, एक नथू कुल्फी वाले को मैं जानती हूँ, वो मेरे कॉलेज के पास बैठता था। तो फिर इस नथू कुल्फी वाले को पकड़ो, उठाओ उसे। कुल्फी, नथू की कुल्फी ले लो, कुल्फी। सर ये देखिए, नथू की कुल्फी ले लो। ये रही नथू कुल्फी वाले की दुकान सर। कुल्फी वाला, नथू कुल्फी वाला, नथू की कुल्फी ले लो, कुल्फी। हाँ सर, हम लोग सीआईडी से, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? जी कहिए। अच्छा, कल आपने यहाँ पर किसी को फोन पे बात करते सुना था जिसके हाव भाव कुछ अजीब हो या जिस पे शक हो आपको? अरे साहब, इस शहर में तो सभी अजीब लोग रहते हैं, किस किस पर नजर रखे, कौन कहाँ करबत है, कौन कहाँ नहीं करबत है, हम का नहीं मालूम साहब। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि ठेला रोज यहीं पे लगाते हो तो? हाँ साहब, इसी रोड पर। कल कहाँ पे ठेला लगाया था? कल वो उधर लगाया था साहब। वहाँ लगाया था? चलो दिखाओ जरा। साहब इधर लगाए थे हम। बाकी सब दुकानें तो खुली हुई हैं, एक ये ही जगह बंद है, क्यों? अरे साहब, ये तो बहुत दिन से बंद पड़ी है, वो तो गोपाल जी ही बता सकते हैं क्यों। गोपाल कौन है? अरे इस जगह के मालिक है। उनको बुला के ला। जी। ताला तो पहले से ही खुला हुआ है सर। सारी मशीनरी है, कोई फैक्ट्री लगती है। हाँ सर, लोग तो खाली गोडाउन में भी ताला लगा के रखते हैं, और यहाँ इस फैक्ट्री में इतना सामान होने के बावजूद फैक्ट्री का ताला खुला हुआ था, क्यों? मर चुका है सर, सीने पे गोली मारी है किसी ने, ताजा है घाव, अभी भी गोली लगी है। ये कोई रमेश है? से चेक करो क्या है ये सर। क्या पता चला? बॉस, इसके हाथ की उंगलियों में सफेद पाउडर लगा हुआ है, देखो। और खासकर ये पहली वाली और ये बीच वाली उंगली में ज्यादा है। मगर सालू के साथ ये है क्या? कहीं कोई ड्रग्स तो नहीं है? नहीं फ्रेडी सर, ये ड्रग नहीं है, ये पाउडर अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट, ये तो फर्टिलाइजर बनाने में काम आता है ना? ये अमोनियम नाइट्रेट कुछ और बनाने के काम में भी आता है, बॉम्ब बनाने के काम में, एक बहुत ही पावरफुल बॉम्ब।
पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा, 2, 4, 6, 8 नहीं सैकड़ों सवारियों को डुबा ले जाएगा, इतना छाप देना। पूरब से पश्चिम तक ऐसा सैलाब आएगा कि 2, 4, 6, 8 नहीं सैकड़ों को डुबा ले जाएगा। इन्हीं दो लाइनों में जरूर कोई ना कोई क्लू छुपा है, इन्हीं दो लाइनों में, पर क्या? लेकिन सर वो पूरब से पश्चिम तक की बात क्यों कर रहा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ रजत, मैं भी वही सोच रहा हूँ। और एक बात ध्यान में आई तुम्हारे? उसने सवारियों की बात की है, सवारियां मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसेंजर्स। सर हो सकता है वो किसी कार की बात कर रहे हो और कार में सफर करते हुए किसी वीआईपी को टारगेट बनाया हो। सिर्फ कार ही क्यों, वीआईपी क्यों? पूर्वी टैक्सी भी तो हो सकती है, बसेस हो सकती है, ट्रेन्स हो सकती है। यह आतंकवादी अमोनियम नाइट्रेट का बॉम्ब एक आदमी को उड़ाने के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो फिर सर पता कैसे चलेगा कि आतंकवादियों का टारगेट कौन है और क्या है? सर 2, 4, 6, 8 इन्हीं चार अंकों में या फिर इस एक नंबर में कोई ना कोई राज छुपा है। सर 2, 4, 6, 8 किसी टैक्सी या बस का रजिस्ट्रेशन नंबर तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें दो अल्फाबेट्स भी लगते हैं और धमकी में तो ऐसा कोई भी क्लू नहीं है। सर 2, 4, 6, 8 किसी बस या ट्रेन का रूट नंबर हो सकता है? हो सकता है, पता लगाओ इस नंबर के बारे में, 2, 4, 6, 8 के बारे में, जल्दी। सर लेकिन रजत 2, 4, 6, 8 किसी ट्रेन का भी तो नंबर हो सकता है, 2, 4, 6, 8 अप 2, 4, 6, 8 डाउन। सर एक बात समझ में नहीं आई, जो भी ये बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है वो हमें इस बारे में बता के वार्निंग क्यों दे रहा है? रजत वो हमें वार्निंग नहीं दे रहा है, चैलेंज कर रहा है हमको, चैलेंज कि अगर है तुम में हिम्मत तो बचाओ अपने देशवासियों को। वो नहीं जानता कि हम अपने देशवासियों को तो बचाएंगे ही पर साथ साथ उसे भी खत्म कर डालेंगे, खत्म कर डालेंगे उसे भी। सर सर 2, 4, 6, 8 एक ट्रेन का नंबर है जो हरियाणा से बैंगलोर जाती है। हरियाणा से बैंगलोर, हरियाणा बैंगलोर, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण कैसे? क्योंकि उसकी पंक्तियों में तो पूरब से पश्चिम लिखा है, पूरब से पश्चिम नहीं। सर मैंने मुंबई के सारे बस रूट की इंक्वायरी की, अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट जाने के लिए जो बस रूट है उसका नंबर है 2, 4, 6, 8। अंधेरी ईस्ट से अंधेरी वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम, रूट नंबर 2, 4, 6, 8। सर रूट नंबर 2, 4, 6, 8 की दो दो बसों को तो चेक किया है, अब क्या करें? कहने का जादू है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा खेला हो और बम कहीं और जगह पर फिट किया गया हो? रेडी फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, सारी बसें चेक करनी ही पड़ेगी। ये बात करें सर, वो देखिए सर बस जा रही है। रोको बस को, रोको रोको बस को। एक्सक्यूज मी, आप सभी लोग जरा बस से बाहर चले जाइए। क्यों क्या हुआ, हम लोग नीचे क्यों उतरे? देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, इमरजेंसी है, प्लीज निकलिए और अपना अपना सामान लेके निकलिएगा, कोई भी सामान यहाँ मत छोड़िएगा, ले जाइए सब। आप रेडी? सर नीचे छाता रखा है। सर कहीं इस छाते में तो बम नहीं? सर संभाल के, कुछ भी हो सकता। माय गॉड, आम छाते से ज्यादा भारी है, हो भी सकता है। सर
अंदर टाइमर लगा है, तो 90 सेकंड बाकी है। 1.5 मिनट वायर है इसमें, लाट देना। सही है, ये टाइमर पे रेड वायर है, रेड वायर। सर टाइमर तो अभी भी चल रहा है और सिर्फ 30 सेकंड बचा है, सर जल्दी करिए। सर टाइमर बंद हो गया, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया फ्रेडी। हाँ जब हमें ये बॉम्ब मिला था तो ब्लास्ट होने में सिर्फ 1.5 मिनट बाकी थे, इसका मतलब जिस आदमी ने इसे रखा है वो बस में होगा नहीं, पीछे ही उतर गया होगा। सर इतना छोटा और लो इंटेंसिटी का बॉम्ब कोई बस में क्यों लगाएगा, जिससे जान माल का ज्यादा नुकसान ना हो। दहशत फैलाना चाहता है वो सचिन, ताकि लोग इसी में उलझे रहें और वो कहीं बड़ा ब्लास्ट कर सके। सर 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 उस आदमी का मेरे पास अभी दोबारा कॉल आया था। क्या कहा उसने? उसने सिर्फ एक संदेश दिया है और उस संदेश को दैनिक टाइम्स के कल के एडिशन में छापने के लिए कहा है, वरना 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 क्या? वरना वो इस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट कर देगा, तबाही मचा देगा और इस तबाही में हजारों मासूम लोगों की मौत हो जाएगी। सर लेकिन एग्जैक्टली वो छापना क्या चाहता है? लीजिए सर, उसने जो कुछ भी फोन पे बोला मैंने इसमें सब नोट कर लिया है। कोई भी 15 अगस्त को घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी निकलेगा अपनी मौत का जिम्मेदार वह खुद होगा। सारे स्वतंत्रता दिवस के समारोह रद्द किए जाएं, अगर इस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो सारा शहर पछताएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। इस बार किस नंबर से फोन किया था उसने? वही नंबर सर, पहले वाला। वही नंबर? मतलब नंबर डिस्ट्रॉय नहीं किया? पूर्वी, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? जी सर, वो नंबर जिस नाम पर रजिस्टर किया गया था वो चाली है और एड्रेस भी चुका। और उस जगह का पता चला जहाँ से ये आदमी फोन कर रहा है? हाँ सर, सर उस फोन के मूवमेंट को हमने ट्रैक किया है और पता चला है कि उसने ज्यादातर कॉल्स शाम 4 से 5 बजे के बीच किए और उसने सारे कॉल्स वीरा देसाई रोड के पास से ही किए। वीरा देसाई रोड? पूर्वी इस फोन को ट्रैक करो, पता करो वीरा देसाई रोड पे ये कहां से फोन कर रहा है। सर लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सर एक मिनट, ये लाइन मैंने कहीं सुनी हुई। कहां सुनी? हाँ सर, वो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, दिवाकर जी, ये लाइन उनकी है। दिवाकर जी? सर एक देश प्रेमी की कविता के साथ इन देशद्रोहियों का क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन तो है फ्रेडी, दिवाकर जी का पुतला सरोजनी नगर में है और वहां पे एक बड़ा बाजार भी है, कहीं अगला ब्लास्ट ये लोग सरोजनी नगर में तो नहीं करने वाले। 4 बज गए, ज्यादातर कॉल्स उसके 4 से 5 बजे के बीच की ही है, उसने अपना फोन स्विच ऑन किया होगा। फोन करती हूँ उसे। हेलो हेलो, हाँ जी जी, मैं प्लाज्मा बैंक से अनुराधा बोल रही हूँ। सर आप हमारी बैंक का ऑफर सुन लीजिए। देखिए सर, ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा और आपकी क्रेडिट लिमिट है। कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। हेलो, काट दिया? इसका नंबर लोकेशन तो अभी भी वीरा देसाई रोड पर एग्जैक्टली ये है कहाँ? पीछे से कांच की क्रॉकरी की आवाज आ रही थी और म्यूजिक भी चल रहा था। ये कोई रेस्टोरेंट ही होगा। रेस्टोरेंट्स यहाँ पास में तो 40 रेस्टोरेंट्स हैं। सर ये मार्केट हफ्ते में एक दिन बंद रहता है और आज बंद वाला दिन है, तो सर उन लोगों ने बंद वाले दिन को क्यों चुना है ब्लास्ट करने?
कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, मतलब बमवानी है। मुझे लगता है कि हमें गुमराह किया जा रहा है। कविता ने तो कहा था कि सरोजिनी नगर, द्वारका जी पुतले के पास, सरोजिनी नगर। सरोजिनी नगर, लेकिन तुम उसी एरिया के आसपास रहते हो ना? हाँ सर। तो फिर सरोजिनी रोड के आसपास ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लोगों की भीड़ भाड़ होती हो? हाँ सर, वहाँ पे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा, LSG कमर्शियल हब। जी, मुझे नहीं लगता कि बॉम्ब इस कॉम्प्लेक्स में रखा होगा। हाँ, वहाँ पे तो बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये बॉम्ब रखा है इसने? सरोजिनी नगर के पास एक चौबीस पार्क है और उसका नाम भी सरोजिनी पार्क है। कहीं बॉम्ब वहां तो नहीं? हेलो। नहीं सर, अभी पता नहीं चला। ओके सर, ओके, दूसरे नंबर से ट्राई करती हूँ। हेलो, हाँ सर, मैं टॉकीटॉन से दीपिका बोल रही हूँ। सर, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई बात नहीं करनी है। हेलो, ये कोई रेस्टोरेंट में तो है, और इस बार ग्राइंडर की आवाज आ रही थी, कॉफी मशीन की आवाज। सर, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, क्या करें? सबको बाहर निकालना तो पड़ेगा। प्लीज, आप लोग बाहर जाइए। प्लीज प्लीज, बाहर निकलिए यहाँ से। आइए, हम लोग CID से, आप लोग बाहर जाइए। जल्दी चलिए प्लीज। कम ऑन, जल्दी। हरी प्लीज, प्लीज सब लोग बाहर चलिए जल्दी। है इसमें। एक मिनट, सर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ। सिर्फ 58 सेकंड है हमारे पास, हमें कुछ करना पड़ेगा। बॉम्ब लो इंटेंसिटी का लगता था। हाँ अभिजीत, अगर बॉम्ब फटा तो कम से कम 6-8 लोग तो मरेंगे। एक, दो, तीन, चार, ये चार वायर है। सर सिर्फ 37 सेकंड बचे हैं। सर क्या करें? ये बाहर का है, इसको काट देते हैं। ये वाला घंटा सर, ये तो अभी भी चल रहा है। येलो, रेड एंड ब्लू, तीन तीन वायर से ट्रैक है। ये नहीं 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 दया, ये टाइमर से जुड़ा हुआ है। येलो येलो येलो
12 सेकंड बचे हैं सिर्फ, दो ही बचे हैं, क्या करें? इन दोनों में से कोई एक काटूं? नहीं दया, 50-50 का चांस है, कुछ भी हो सकता है। सर सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं सर। एक ही रास्ता है, छोड़ो। You are under arrest. तुम? आप लोगों में से किसी ने भी वहां उस झाड़ के पास किसी आदमी को देखा था? देखिए प्लीज, किसी को कुछ भी मालूम है हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए प्लीज। मैंने देखा था। आपने देखा था? हाँ। किसे किसे देखा था? ये लड़का कुछ देर पहले झाड़ के पास खड़ा था। ए, अंकल आपका कहने का मतलब है कि वो बम मैंने वहां पे रखा था? सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने वो बम वहां पे नहीं रखा। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आए थे, क्या करने आए थे? सर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ले रहा हूँ। वो फोटो देख सकता हूँ? अगर कुछ पर्सनल नहीं है तो। थैंक यू। इस फोटो में तो वो झाड़ एकदम साफ दिख रहा है। हाँ, मगर यहाँ झाड़ के आसपास कोई ब्रीफकेस दिख तो नहीं रहा है। टाइम है 7:33 है? हमारे आने से सिर्फ 2 मिनट पहले खींची गई ये फोटो। यानी वो ब्रीफकेस बहुत पहले नहीं, अभी भी रखा गया था। हमारे आने से कुछ देर पहले वो आतंकवादी ब्रीफकेस रख के भाग गया। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि इन 2-3 मिनटों के बीच में कौन कौन इस पार्क से पार गया है, शायद वो आतंकवादी हमारे हाथ लग जाए। आप लोग ये बताइए, किसी ने भी इन 2-3 मिनटों में किसी आदमी को पार्क से बाहर जाते हुए देखा है? मैंने देखा साहब, मैं जब नारियल छीन रहा था साहब, मैंने मनीष को भागते हुए देखा साहब। मनीष? कौन है मनीष? मनीष सर एक नंबर का छठा बदमाश है साहब, लोगों की पॉकेट मारता है साहब और सामान भी चुरा के लेके जाता है साहब। मनीष, इस देश में बॉम्ब प्लांट करने की सजा जानता है तू? बॉम्ब फटे या ना फटे, तेरी जिंदगी के चिथड़े जरूर उड़ जाएंगे। मैं कसम खाकर कहता हूँ साहब, वो बम मैंने नहीं रखा था साहब। नारियल वाले ने तुझे कैसे देखा, झाड़ियों में ब्रीफकेस रख के भागते हुए? सर वो ब्रीफकेस मेरा नहीं था, मैं तो एक छोटा मोटा चोर हूँ। मैंने सरोजनी मार्केट से वो बैग छीना एक आदमी से, उसके बाद वो आदमी मेरा पीछा करने लगा और मैंने उस बैग को वहां पे फेंका पार्क में और मैं वहां से भाग निकला साहब। बस हीरो चलो उस आदमी का स्केच बनवाओ। सर पूर्वी लोगों को ट्रेस करते हुए वीरा देसाई रोड गई थी, वही लोग पूर्वी को ले गए। सर उन लोगों ने सेंट माइकल रोड से राइट टर्न लिया है। कहीं वो लोग पूर्वी को शहर के बाहर तो नहीं ले जा रहे? सर अगर एक बार वो शहर से बाहर चले गए तो उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शहर से बाहर जाना आसान नहीं है, हमने चेक ना के भी इन्फॉर्म कर दिया है। सर उनकी कार की स्पीड कम हो गई है। हमारे उनके बीच में फासला कितना है? तकरीबन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? एक मिनट सर, उनकी कार लेफ्ट में मुड़ गई है सर। लगता है वो शहर की तरफ वापस आ रहे हैं। जब लीडर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। सर उनकी कार तेजी से हमारी तरफ आ रही है। और जब आतंकवादियों की मौत आती है वो CID की तरफ भागता है। सर उनकी कार मेन रोड पे रुक गई है। यहाँ से कितनी दूर है? सर आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? सर पूर्वी के मोबाइल का लोकेशन ही बता रहा है। यहाँ? मगर ना पूर्वी है यहाँ पे, ना आतंकवादी, ना ही कोई गाड़ी। सर सिग्नल तो आ रहा है सर। सिग्नल आ रहा है? हाँ सर ये देखिए। विनीत सर फोन लगाओ पूर्वी को।
सर बेल। पूर्वी का मोबाइल, इसका मतलब है उन लोगों को पता चल गया था कि हम लोग इस मोबाइल के जरिए उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए पूर्वी के हाथ से मोबाइल छीन के फेंक दिया। सर हो सकता है वो लोग इस घने जंगल में कहीं छुप गए हों। अगर ऐसी बात है तो पूर्वी की जान को खतरा है। क्या पता चला पूर्वी के बारे में? कुछ नहीं सर, दया सर और निखिल उसके पीछे ही गए। और उसके फोन रिकॉर्ड क्या बताते? पूर्वी ने आखिरी कॉल अपराधी को किया सर, बाकी फोन कॉल्स के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो गया। ये रोनित? हाँ रोनित, दैनिक टाइम्स का क्राइम रिपोर्टर रोनित, यही आदमी था, इसी के हाथ में ब्रीफकेस था। हाँ सर, इसी के हाथ में सर। इसका मतलब है कि ये रोनित हमें गुमराह कर रहा था, लो इंटेंसिटी बॉम्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहा और जानलेवा बॉम्ब कहीं और ही प्लांट कर दिया है। सर हाँ, ये देखिए सर, पूर्वी के मोबाइल में आखिरी नाम मारवे लिखा है। मारवे? कितने बजे? 6 बजे सर। 6 बजे? और दया ने पूर्वी के लोकेशन के बारे में कितने बजे फोन किया था? करीब 6 बजे सर। इसका मतलब पूर्वी ने जानबूझ के ये नाम अपने मोबाइल में लिखा। हाँ, पूर्वी ने जानबूझकर ये नाम अपने मोबाइल में लिखा और फिर जानबूझकर वो मोबाइल भी वहीं पर गिरा दिया, उसी जगह पर जहां उसे छुपाया गया है। मारवे, मारवे, पूर्वी ने अपना काम तो होशियारी से किया, अब हमारी बारी है। एक मिनट मिनट बैठो। रोनित की कार यहां पर? तो रोनित ने अपनी गाड़ी यहां क्यों पार्क की? यहां पर तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस कब्रिस्तान। पूर्वी को ओह नो, ढूंढो। गाड़ी में से फाड़ो निकल जल्दी। सर एक बहन रात से साफ करो, संभाल कर। क्या हुआ? पूर्वी कहाँ है? पूर्वी कहाँ है रोनित? क्या हुआ? पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ? पूर्वी कहाँ है? आप बोलो, पूर्वी कहाँ? संभाल के। आराम से। एक मिनट, एक मिनट। साफ करो, साफ करो। खोलो से। पुरी, पुरी। ये चुप,
तुम ठीक हो? पूर्वी निकल, पानी लेके आओ। पूर्वी सर, पूर्वी तुम ठीक हो? निकल हॉस्पिटल ले जाओ उसे। कौन है? किसने किया ये सब? कौन है सबके पीछे? लाखिया। लाखिया? वो इंटरनेशनल क्रिमिनल? जी हाँ सर, उसने मेरी बीवी को किडनैप करके रखा सर। उसने मुझे धमकी दिया, उसी ने मुझसे सब कुछ करवाया सर। कहाँ मिलेगा लाखिया? कहाँ है वो? मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसने निर्मल भवन में एक बॉम्ब प्लांट किया सर। निर्मल भवन? सर सोनिया के स्कूल का इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन भी वहीं है। मतलब कई मासूम बच्चों की जान खतरे में। ये निर्मल भवन है, पर यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ भी बम क्यों लगाएगा? लेकिन सर, रोहित ने तो दया सर को निर्मल भवन के बारे में ही बताया। चलो देखते हैं। रोने की आवाज? मरने से पहले जिसको भी याद करना चाहते हो याद कर लो। लाखिया, वाह, पहचान लिया। क्या याददाश्त है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे देशद्रोही को कैसे भूल सकता हूं मैं। अभिजीत, इस बार तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें कैद किया है। और लखिया की कैद से सिर्फ मौत ही आजाद कर पाएगी तुम्हें। ऐसा ही एक बार तुम्हारे भाई ने कहा था, और जो हाल उस देशद्रोही का हुआ है वही तुम्हारा भी होगा। तुम भी मरोगे। फिलहाल तो तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो। 10 मिनट से भी कम वक्त है तुम्हारे पास, और ये डेटोनेटर है मेरे पास। अब तुम क्या करोगे? उसकी चिंता तुम मत करो। तुम चिंता करो फांसी के फंदे की। सीआईडी से कभी जीत नहीं सकते तुम। अभिजीत, कभी जीत तुम्हारी हुई थी, अभी जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी। लाखिया, अब क्या करें सर? सारे दरवाजे बंद हैं। बाहर जाए तो जाए कहां से? रेडी, हम बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ? बाहर वाला तो अंदर आ सकता है। क्या मतलब? सर, अभिजीत सर का एमएमएस आया सर। ये तो लाखिया। अभिजीत ने इस एमएमएस में लाखिया की फोटो की भेजी। और ये क्या? लाखिया के पीछे ये होटल ग्रैंड व्यू का गेट दिख रहा है। मतलब लाखिया इस वक्त इस होटल के सामने खड़ा है। सर, हम निर्मल भवन पहुंच गए सर। नहीं भी नहीं, गाड़ी घुमा दो। अभिजीत के एसएमएस का मतलब ये है कि मैं लाखिया को पकड़ लिया। मगर तुम लोग फंस कैसे गए? फंक्शन तो शाम को था ना? हाँ सर, फंक्शन शाम को था, लेकिन किसी ने फोन करके हमें कहा कि रिहर्सल चल रही है। और फिर देखिए, घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा।
दया आओ, क्या लोगे, ठंडा या गरम? राखिया। चिल्लाओ मत, आज बाजी मेरे हाथ में है। यहां एक बटन दबाया और वहां चार लोगों की जान गई। अगर किसी को कुछ भी हुआ ना वहां पे तो याद रखना मैं तेरा कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लोग, तुम सब मेरे गुलाम हो। अब कन नीचे और हाथ ऊपर रखते हो कि दबाऊं? बताइए बम डिफ्यूज कैसे होता है? बम डिफ्यूज कैसे होता है? बताता है या? सिर्फ दो मिनट बचे। बता दे, बता। बचा सकते हो तो बचा लो। देख देख लगे लगे बेहोश हो गया। अब क्या करें सर? हाँ दे। हाँ, ये लाखा तो मिल गया मगर वो बेहोश हो गया और उसने हमें ये नहीं बताया कि बम को डिफ्यूज कैसे करते हैं। दया, सिर्फ डेढ़ मिनट बचे हैं, कोई तो तरीका होगा। ये डिटोनेटर है मेरे पास और इसमें एक बटन है, मैं ट्राई करूं उसे। हाँ दबा। सर, बम तो डिफ्यूज नहीं हुआ है। कुछ एक मिनट, अभिजीत, ये बॉम्ब बनाने का डायग्राम है यहाँ पे। डायग्राम? देखना मेन सर्किट के पास कौन सा तार है, किस कलर का तार है, जल्दी देखो। एक मिनट, ये है। जल्दी करो प्लीज। प्लीज अंकल, हमें बचा लो। लाल 15 सेकंड बचे सर, जल्दी। सर 15 सेकंड बस। कौन सा कलर है दया? येलो। अंदर के सर्किट से कनेक्टेड है येलो वायर। ये पीला वाला वायर काट दो अभी। पीला वाला? दया, आर यू श्योर? एक बच्ची और उसकी माँ की जिंदगी का सवाल है दया। हाँ हाँ, पीला काटो। सर सर 3 सेकंड बचे सर, सर जल्दी प्लीज। थैंक यू सर, आपने हमारी दो दो बार जान बचाई। थैंक यू।